जय श्री राम। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी राहु ने मेष राशि से मीन राशि में ट्रांजिट किया है और केतु ने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो आपकी लाइफ में इसका इफेक्ट क्या होगा? वैसे तो राहु आपकी कुंडली में जिस प्लैनेट को टच करेगा जितने डिग्री पर, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा मेरी जो मैगजीन है उड़ान मैगजीन, उसका सब्जेक्ट भी इस मंथ का यही था, तो वह भी आने वाला है। उसमें से दो तो आपको मैंने दे दिया है कि वास्तु का दे दिया और ज्योतिष प्रकरण का दे दिया है, लेकिन इसका इस पे काम चल रहा है कि राहु ने जो ट्रांजिट आपकी लाइफ में किया है तो वह किस प्लेनेट को टच करेगा और क्या घटनाएं आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी, तो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अगर आपने पढ़ी लिया होगा, अभी जो दो प्रकरण गए उसको आप पढ़ ही रहे होंगे और ये प्रकरण भी चला जाएगा अभी, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा वहां पूरा डिटेल में कि राहु ने जो ट्रांजिट किया तो आपकी लाइफ में कब क्या इफेक्ट आएगा। वो बहुत एक्यूरेट वहां पर इफेक्ट आपको जानने को मिलेगा। लेकिन जो मैगजीन में मैं लिख रहा हूँ उसके अलावा मैं आपको कुछ एक और बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि लाइफ में कब कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट स्टार्ट होता है, कोई घटना स्टार्ट होती है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक होता है वो जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट किया या कोई भी दशा महादशा अंतरदशा बदलती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और उस गलती के अकॉर्डिंग ही प्लैनेट हमको अपना बैड या गुड इफेक्ट देने लगते हैं। अब चूंकि गलती हुई है तो गुड इफेक्ट तो नहीं देंगे, बैड इफेक्ट ही देंगे। कहा क्या गया एस्ट्रो वास्तु के अंदर कि जहां पर भी आपकी कुंडली में राहु होगा जन्म कुंडली के अंदर, वहां पर आपको वास्तु दोष जरूर देखने को मिलता है, चाहे आपकी कुंडली में राहु अच्छा हो, खराब हो, उच्च का हो, नीच का हो, जैसा भी हो, वहां पर आपको वास्तु डिफेक्ट आपके घर में दिखेगा ही दिखेगा। मतलब इसमें हम लोग 99% श्योर है, 1-2% ऐसे होते हैं जिनमें नहीं दिखाई देता है, तो वो उनको राहु कभी बैड इफेक्ट भी नहीं देता, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। गॉड ग्रेस समझिए कि अगर राहु आपकी किसी भी हाउस में बैठा है और वहां पर आपको वास्तु डिफेक्ट नहीं दिख रहा है या राहु से रिलेटेड चीजों को आपने वहां नहीं रखा हुआ है, तो आप समझिए बहुत बड़ा गॉड ग्रेस है ये आपके ऊपर। लेकिन सबके ऊपर तो गॉड ग्रेस नहीं होता, 90-95% लोग तो वो चीज वहां रख देते हैं जिसके कारण से बैड इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखिए कुंडली में कि राहु आपका चाहे जैसा भी बैठा हो और आपने राहु की वहां पर वस्तु रख रखी है, और राहु की वस्तु लिस्ट देख लीजिए क्या क्या है, बहुत सारी राहु सबसे बड़ा जो भी कबाड़ है, टॉयलेट है, या जो भी खराब चीजें राहु की चीजें, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया वो सब राहु के अंडर में आता है, कोई भी खराब चीजें राहु के अंडर में आती है, गंदी चीजें राहु के अंडर में आती हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक जो भी खराब चीजें हैं, खराब मतलब जो खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, ये सारी चीजें वहां पर आपको राहु में दिखेंगी। पूरी लिस्ट है इसमें कि क्या क्या राहु की वस्तु होती है, उसको आप देख लेंगे और मुझे लगता है आपको इससे ज्यादा पता होगा। बाकी जो एक मेरा मैंने पीडीएफ दिया था हमारे ऐप पर पड़ा हुआ है, वो तो लगभग फ्री है, 1 रुपए चार्ज है, क्योंकि फ्री कर नहीं सकते उसको, तो वो उसमें मैंने पूरी चीजें दे रखी हैं, आप उसको पढ़ लीजिए वहां पे राहु की क्या वस्तु, तो आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में जिस भाव में राहु वहां पर आपने वो चीजें रख रखी है जिसके कारण से आपको बैड इफेक्ट जरूर मिलेगा, उसको आप हटा देंगे बैड इफेक्ट खत्म। लेकिन वो दिमाग में ही नहीं आता है या ऐसी गाइडेंस ही नहीं मिल पाती है या ऐसी बुद्धि ही नहीं चलती है तो आदमी सफर करता है। सेम चीजें ना दशाओं में भी होती है, तो दशा जब बदलती है तो क्या होता है ना कि केवल 5-10% को लोगों को छोड़ दीजिए जो अंडर गाइडेंस होते हैं एस्ट्रोलॉजर की, आपने एस्ट्रोलॉजर से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते रहते हैं, उन्हें चीजें पता होती है, बाकी तो 99-90% लोग कहते हैं हम जानते ही नहीं, जानते नहीं तो भाई भोगो जिंदगी भर, क्या बताएं, जब नहीं समझते हो और कहते हो बेकार है तो फिर भोगो जिंदगी भर, भोगने को लिखा गया तो कोई क्या कर सकता है। ऐसी चर्चा भी हो रही थी कि भाई लाइफ में पूरा 22-23 साल आदमी अपनी स्टडी में गुजार देता है लाइफ के, लगभग लगभग अगर हाई स्टडी में जाते हैं तो और भी टाइम चला जाता है, और फिर भी अल्टीमेटली घूम के तो यहीं पर आ रहे हो ना, तो यार 1 साल इसको पढ़ लो कायदे से, कहाँ दूसरे चक्कर में फंसे, हमारा बता दो हमारा बता दो, हम नहीं जानते, ये फ्रस्ट्रेशन है आपका, क्योंकि आपको जब कोई गाइडेंस नहीं मिलती तो आप फ्रस्ट्रेट होते, सोचते बेकार है, जबकि सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी इन्हीं चीजों का पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का। भाई आप कोई भी पढ़ लो, अल्टीमेटली
कब जॉब मिलेगी, कब जॉब में प्रमोशन होगा, कब सैलरी हाइक होगी, क्या काम करेगी, सब तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी ना। दुनिया की और कोई विद्या ऐसी नहीं जो कि ये बात बता सके, केवल एस्ट्रोलॉजी बता सकती है और वास्तु बता सकती है, बाकी कोई सेकंड है ही नहीं एजुकेशन। जिंदगी निकल गई हमारी सब सर्च करते करते। तो घूम के जब आपको यहीं आना है तो एक साल इसको पढ़ लो कायदे से, दूसरे के चक्कर में फंसे, उसने हमको उल्लू बनाया, उसने हमको उल्लू बनाया, तो चीटर तो बैठे हैं यहाँ पर, तो काहे फंस रहे भाई, पढ़ लो अपना समझ करके। खैर नहीं पढ़ते तो भाई जितना हम लोग से हो सकता उतना दे रहे हैं, सुनना ना समझना आपके ऊपर है, ना समझो ठीक है, अच्छी बात। अब आइए होता क्या है कि जैसे ही राहु या कोई भी प्लेनेट ट्रांजिट किया, हम लोग अभी ट्रांजिट पे लेके चलते हैं, और दशाओं में भी सेम इफेक्ट लगेगा, तो पता होना चाहिए कहां पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही ट्रांजिट किया तो हम ना उसकी वस्तु वहीं पे लाके रख देते हैं और उसका बैड इफेक्ट स्टार्ट, और उसका बैड इफेक्ट स्टार्ट। दशाओं में भी यही है, जैसे दशा बदली एमडी एडी पीडी, हमने उसकी चीज वहां पे लाके रख दी, देखा कि कुंडली में तो बड़ी अच्छी दशा है, अच्छा होगा, बट गलती यहां करके बैठे हुए हैं, तो कहां से हमको अच्छे रिजल्ट देगा, कहां से हमको रिजल्ट अच्छे देगा। तो कुंडली में कोई भी प्लेनेट कैसा हो, यही एस्ट्रो वास्तु का अपनी खूबसूरती है कि अगर आपने उसकी वस्तु को वहां पे प्लेस कर दिया, जैसे राहु इन सब चीजों को, राहु में तो स्पेशली कहा गया, शनि अगर खराब है आपकी कुंडली में और आपने वहां प्लेस कर दिया तो फिर उसका भी बैड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अच्छा है प्लेस कर दिया तो अच्छा इफेक्ट दे देगा। तो अब ये देखिए ना, ये भी एक प्रकार की गॉड ग्रेस होता है कि ना, आपको सही समय पर आपकी बुद्धि काम कर गई, और सही समय पर आपकी बुद्धि काम कर गई और आपने उन चीजों को कर लिया और आपके साथ अच्छा होने लगा। खराब है तो वहां से उन चीजों को हटा दीजिए। अब किसकी क्या है तो उसकी एक लिस्ट है पूरी, आप वहां पर जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। हम आते हैं राहु के ट्रांजिट पे। अब राहु आपकी कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहा है वहां से क्या करिए, उसकी चीजों को पहले तो आप हटा दीजिए। आपकी कुंडली में चाहे राहु अच्छा हो राहु बुरा हो, आपको उसके इफेक्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा अगर होगा तो आपको अच्छा फल मिलने लगेगा, और बुरा है तो भी आपको अच्छा फल मिलने लगेगा। भूल जाइए आप कि हमारा राहु हमारे चंद्रमा को अटैच कर रहा है, या बृहस्पति को कर रहा है, या सूर्य को जो है ट्रांजिट में इफेक्ट डालने वाला है, ये भूल जाइए। ये इसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, होगा बहुत कम होगा, कब, जो ये उपाय है। उपाय क्या है, राहु की वस्तु को आपको हटा देना है। अब हम लगन वाइज बात कर लेते हैं कि किस लगन को कहां से हटाना है। राहु की वस्तु क्या, आप समझ गए, कबाड़ है, टॉयलेट है, मतलब अगर टॉयलेट नहीं हटा पा रहे तो रेमेडी कर लीजिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहां पे रेमेडी नहीं काम करेगी, वहां हटाना ही पड़ेगा। नहीं हटा सकते तो भाई हम क्या कर सकते हैं, या कोई भी कर सकता है, आपको भोगना है तो फिर भोगिए। अब राहु अभी कहां पे आ गए, मेष राशि में। तो मेष राशि में आ गए तो कुंडली में जिस भाव में मेष राशि आएगी वहां से आप उसको हटाइए। जैसे मान लीजिए आपकी मेष लगन है तो आपके राहु तो लगन में चल रहे हैं, यानी आपके पूर्व दिशा में आपने राहु की चीजें या तो रख दी है, या पहले से रखी है, या तो रख दी है, या अब रखने वाले हैं, तो मत रखिएगा राहु की चीजें वहां, या होंगी तो उसको आप हटा दीजिए। अब राहु में अगर किसी का टॉयलेट है, कबाड़ है, या वहां पे वो स्टोर करता है, जूते चप्पल रखता है, या जो है इन्हें स्टोर रूम, तो एक अलग चीज हो गई, स्टोर रूम राहु के अंडर में नहीं आता है। वहां पर गंदगी हमेशा राहु के अंडर में आती है, या घर का कूड़ा कबाड़ भी आपने रख दिया तो भी जो है क्या नाम है आपके राहु के अंडर में आ जाएगी। लेकिन अच्छा सुव्यवस्थित अगर आपका स्टोर रूम है तो अच्छा, वैसे स्टोर रूम कभी भी ईस्ट में होना ही नहीं चाहिए, हमेशा स्टोर रूम को बनाने की जो जगह है वो नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन अच्छा सही सलीके से रखा, जैसे कबाड़ जैसे आज स्टोर रूम का मतलब समझते, कोई भी लाओ कबाड़ वहां फेंक दो और वहां पे हो जाएगा। अब यहाँ एक और भी प्रश्न आता है, लोग कहते हैं कि हमारे में तो ये जिंदगी भर रखा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भैया अभी आपका उसकी दशा नहीं आई तो इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे घर में तो इतने मतलब 7-8 लोग हैं और हम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपकी कुंडली में ऐसे योग नहीं, जिसकी कुंडली में जो योग है उसी को फर्क पड़ेगा। घर में 10 आदमी है, जब वो दशा ट्रांजिट जिसमें वो स्टार्ट होगा उसी को फर्क पड़ेगा, सबको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। समझ आ गया ना, तो ये सब बकवास की बातें छोड़ दीजिए कि उनपे नहीं पड़ा तो हमें नहीं पड़ेगा, हमारे दादाजी में नहीं पड़ा तो हमें नहीं पड़ेगा, उनमें ऐसे योग नहीं थे, नहीं पड़े, आप में है तो क्या करें, तो पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना, इसलिए मूर्खता वाली बातें ना करिए। तो यहाँ पे क्या नाम है, अगर मेष लगन में है तो पूरब दिशा में राहु की चीजें अगर आपने रख दी है या रखी है तो उसको हटा दीजिए, और अगर नहीं रखी है तो अभी तक तो ठीक है, रख मत दीजिएगा पूरे ये राहु के ट्रांजिट में।
वरना आपको परेशानी आ जाएगी। ठीक है, चलिए वृषभ लगन में चलते हैं। वृषभ लगन में हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन वृषभ लगन वाले सुन ले, वहां पे राहु की प्लेस को, राहु की चीजों को नहीं रखना है, रखा है तो हटा दीजिए, उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, उस दिशाओं के अनुसार टेपिंग होती है, टेप कर लीजिए चीजों को पहले, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है वहां से उन चीजों को हटा देना जो है। छोटी मोटी चीजें पड़ी रहती है, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक सामान, कबाड़ होता है, गंदगी होती है, जाले लगे होते हैं, कोई चीज लोग दीवार पर लटका देते हैं, लटकाने वाली चीजें भी सब राहु के अंडर में आती है, झूमर होता है, जो ये विंड चाइम होती है, सब राहु के अंडर में आती है, तो इनको ये सब यहाँ पे आपके साउथ ईस्ट में नहीं जाना चाहिए। चलिए मिथुन लगन में आ जाते हैं। मिथुन लगन में अगर हम लोग चलते हैं तो हमें मिलता है वेस्टर्न वॉल, यानी कि पश्चिम दिशा की दीवार, वहां पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, जहां पे पश्चिम, एक पश्चिम दिशा है, एक पश्चिम दिशा की दीवार है, तो पश्चिम दिशा में ये सारी चीजें, अगर गंदगी है, ये सब प्रकार की प्रॉब्लम है, पश्चिम दिशा से लगा कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको जरूर वहां से हटा दीजिए। उसके बाद आते हैं हम लोग कर्क लगन। कर्क लगन में पश्चिम दिशा में भी प्रॉब्लम होगी, दिशा में, यहाँ दिशा में ही पूरी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप इस प्रकार की चीजें वहां रख सकते हैं, तो कर्क लगन वाली इस बात को समझ ले। सिंह लगन में अगर हम आते हैं तो सिंह लगन में हो जाएगा घर का सेंटर, तो सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वहां उन्होंने दीवार खड़ी कर रखी हो, कुछ भी हो सकता है, कबाड़ रखा हो, टूटी फूटी चीजें वैसे राहु के अंडर में नहीं आती है, वो केतु के अंडर में आती है, टाइल्स टूट जाना, ये सब चीजें है ना, तो अगला वीडियो हम केतु का भी आपको दे देंगे कि केतु भी ट्रांजिट किया है ना, तो वो भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो घर के सेंटर में आपके दिक्कत हो सकती है सिंह लगन वाले, उसको अपना ठीक कर ले, आपको राहु कभी परेशान नहीं करे, कभी भी अपने ट्रांजिट में परेशान नहीं करेगा, जब अगला ट्रांजिट होगा तो फिर दिशाएं बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कन्या लगन में आ जाइए। कन्या लगन में ये हो जाएगा आपका साउदर्न वॉल, यानी कि पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा में अगर आप देखें तो वहां, सॉरी, साउदर्न, दक्षिण दिशा, दक्षिण की दीवार में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सीलन जो आती है ना, सीलन भी खराबी है, क्योंकि सीलन क्या करती है ना कि वहां की एनर्जी को मिनिमाइज कर देती है, तो इसलिए सीलन उलन भी नहीं आनी चाहिए। तो कन्या लगन वाले समझ गए, साउदर्न वॉल को ठीक कर लेना, वहां की राहु की कोई भी वस्तु है इमीडिएट उसको हटाइए, जो करना सो करिए, राहु का आपको कभी बैड इफेक्ट नहीं होगा, जिनकी दशा चल रही है उनके लिए राम बाण है, ये समझ लीजिएगा। कि दूसरी आ जाइए तुला लगन। तुला लगन में क्या है, साउथ वेस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आपके, तो तभी वहां पे राहु आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको बैड इफेक्ट आपकी फैमिली लाइफ, आपकी बिजनेस में, आपकी पार्टनर के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आपका अगर प्रमोशन होने वाला है तो नहीं होगा, ये सब ध्यान रखेंगे तुला लगन वाले। अगर वहां पे राहु की चीजें आपने प्लेस कर रखी है तो बढ़िया है कि उसको हटा दीजिए। ठीक, चलिए वृश्चिक लगन में आ जाइए। वृश्चिक लगन में आपका हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में अगर राहु की कोई भी वस्तु आपको दिख रही है, हटा दीजिए, और रखना भी नहीं है, नहीं रखी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई बोले नहीं हमारे नहीं है तो नहीं है, तो गलती मत कर लीजिएगा, भी पूरे 1.5 साल में रख मत दीजिएगा वहां पे। ठीक है, रखेंगे जरूर, मानेंगे तो है नहीं, तो इसलिए वहां से हटा दीजिए और रखिएगा भी नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाते हैं धनु लगन वाले। धनु लगन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरब की पूर्वी दीवार जो ईस्टर्न वॉल है वहां पर, तो ईस्टर्न वॉल में आपको कोई भी चीज अगर राहु की दिख रही हो, हटाइए, साफ सुथरा करिए, राहु का कभी आपको बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए उसके बाद आते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नीट एंड क्लीन उनको रखनी है, राहु की स्पेशली कोई चीज वहां पे लाके नहीं रख देनी है, रख दिया तो आपको प्रॉब्लम पक्का आएगी, इसमें कोई इब्बट नहीं है, क्योंकि अष्ट वास्तु लगती है तो एकदम लगती है, और वहां चीजें नहीं है तो नहीं लगती, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए कुंभ लगन वाले। तो कुंभ लगन वालों में यहाँ पे देखेंगे दक्षिण की दिशा, वहां हमने भी देखा था साउदर्न वॉल यानी दक्षिण की दीवार, यहाँ पे हम लोग कुंभ लगन को देखेंगे दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा में क्या होगा, आपसे कोई कुछ गलती हो जाएगी, इसके कारण से आपको बहुत सारी चीजें समस्या आ सकती है, कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पीछे कोई शत्रु लग सकता है या शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, तो वहां से फिर आपको बचना है, कि अगर आपने ये वहां पर राहु की चीजें साउथ डायरेक्शन में डाल दी तो समस्या आएगी, थोड़ा साफ सुथरा रख करके उसे ठीक करके रखिए। उसके बाद आ जाइए मीन लगन वाले। तो मीन लगन में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है, अगर वहां पर आपने
कुछ भी गड़बड़ी आपकी मीन लगन वाले हो गई तो आपके सीधा बैंक बैलेंस पर इफेक्ट आएगा, जो भी पैसा आपने बैंक में रखा सब खाली हो जाएगा, मतलब उसमें एक होल कर देंगे आप और सारा ड्रेनिंग चालू हो जाएगी, पैसे की चालू हो जाएगी, घर में लड़ाई झगड़ा, घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी और वो पैसा वहां पे यूज हो जाएगा। इसीलिए मीन लगन वाले ध्यान रखें, नॉर्थ वेस्ट में राहु की कोई भी वस्तु ना डालें वरना समस्या आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात सभी लग्नों वालों को समझ में आ गई होगी और इसको भाई अप्लाई कर लीजिएगा, क्यों सुन करके राम राम मत कर लीजिएगा, क्योंकि सुन करके ही आप लोग राम राम कर लेते, इसीलिए ना चीजें देने का मन नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग समझते पता नहीं क्यों नहीं है, कोई भी घर में जिसके भी है वो प्रॉब्लम आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी उसके बाद सोल्यूशन कहां ढूंढेंगे। तो इसलिए खुद ही समझदार बनिए, खुद ही जागरूक बनिए और खुद ही नॉलेज लेकर करिए। आपका किसी ने ठेका नहीं ले रखा है कि आपको लोग बताएंगे, कोई कि हमको तो बताने नहीं, कौन बताएगा भाई आपको, क्यों बताएगा, आप पैदा हुए आप जिम्मेदार हो, क्यों कोई दूसरा बताएगा। जब कोई दूसरा उसको समझा रहा है तो समझ लीजिए सही समय पे, वरना जब समस्या खड़ी हो जाएगी आके तब ऐसे रोते रहिए। तो इस प्रकार की चीजें ना हो, इसीलिए आपको दिया गया, इसको सुन के अनदेखा ना कर लीजिएगा वरना समस्या आपके साथ आ जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सत्य बोल रहा हूँ, ये मत सोच लीजिए कि आपको किसी ने गाइड करने का ठेका ले रखा है, आपका ठेका आपके माँ बाप ने ले रखा तो और कौन लेगा आपका, खुद आप यहाँ पे आए, खुद कोई कुकर्म या कैसा कर्म किया उसको भोगने आए, तो अपनी लाइफ को खुद ही जीना पड़ेगा, खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए नॉलेज ही आपको बचा सकती है, ज्ञान ही आपको बचा सकता है और उसका सही ज्ञान होना ही, और केवल ज्ञान होने से भी काम नहीं चलेगा, आपने सुन लिया ज्ञान ले लिया फिर उसके बाद जाके छोड़ दिया तो फिर समस्या। तो उसको जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो मैंने हर लगन के लिए राहु में आप क्या करने वाले हैं, मैंने किस किस दिशा में करने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो सही है, वहां से अगर कोई चीज रखी है हटा दीजिए वरना समस्या आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।